Subscribe and click the bell icon for television updates. हर एक कंटेस्टेंट के साथ मैंने पर्सनली बात की है वन ऑन वन. हम शो देख रहे हैं, ये ऑडियंस का भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है. जैसे कि जानना चाहेंगे? बिल्कुल. चलिए आपको सारे लड़कियों की कंप्लेंट्स दिखाएंगे कि वो क्या एक्सपेक्ट करती हैं आपसे और क्या चाहती हैं आपसे. सिर्फ दो जने हूं, मैं और पारस. हम दो हों और हम बातें करें, समझे एक दूसरे को. मेरी जो कंप्लेन है वो जो फूल वाली चीज करी. आपको किसी ने फ्लावर्स गिफ्ट किए तो आप इतना बड़ा लेक्चर दे दोगे? फूल मुझे लगता है कि वो गार्डन में अच्छे लगते हैं. फूलों की जगह यहाँ होनी चाहिए, वहाँ नहीं होनी चाहिए. ऐसे कौन करता है? अच्छा आप ये बताइए. उसने अपने हिसाब से सोचा कि मैंने फूल देखकर आपको शायद खुश कर सकती है. लड़की ने इतने एफर्ट्स किए हैं, यू हैव टू पे बैक बाय यू नो बीइंग नाइस टू दैट गर्ल एटलीस्ट. He told me, Sanjana, you're just like Akansha. और Akansha is on Paris's hate list. ये समझ में नहीं आ रहा मैंने इतना बुरा क्या किया कि है ना straight I'm compared to somebody who's on his hate list. तो मुझे लगा यार मैंने किया क्या इतना बुरा that I don't even exist. तो रोने वाली बात क्या थी? अब ये हर बात पर रोती है. कोशिश तो कर रहे हैं और क्या करेंगे तुम्हारे लिए? तो मैं भी तो और कर रहा हूँ, तो मैं भी और ज्यादा क्या करूँ? यहाँ पर ऑडियंस को भी ये लग रहा है कि पारस एज अ पर्सन जो बिग बॉस में थे, जो इन्वॉल्वमेंट उनका था, तो वो इन्वॉल्वमेंट कहाँ है? क्योंकि के साथ वैसा बॉन्ड नहीं बना सकता जैसा आप चाह रहे हो या फिर जैसे दुनिया चाह रही है. कोई रियल है ही नहीं. कुछ दिल से भी उनका निकलता ना तो उनको ये लग रहा है कि भाई अगर पारस को ये फेक लगा ना तो कल जाके ये मुझे भी बोल देगा ये फेक है या फिर मेरी एक्स की तरह है. Everyone is scared to even come to you to say what they feel. जैसे पारस के लिए मायरा वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, सो उसके लिए वो सारी चीजें हर एक कॉर्नर में कुछ ना कुछ उनकी यादें छुपी है. ये बात बात में ये जो माहिरा की ये जो स्टोरी आ रही है, अगर माहिरा की बात करो तो माहिरा मेरी डेफिनेटली फ्रेंड है. हाँ मुझे उसकी याद आती है. तो ये घर उनको खाने को दौड़ता है, उनके सारे चीजें उनको रिमाइंड करवाती है. और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ना कुछ गलत बात है. मैं अपनी माँ को भी याद कर रहा हूँ, मैं सिद्धार्थ को भी याद कर रहा हूँ. दांत और माँ में बहुत डिफरेंस हो रहा है. एक लड़की के बारे में बात कर रहा है तो लड़की तेरे पास आएगी क्यों? अगर तुझे मेरी कदर ही नहीं है तो फिर भाई मैं तेरी कदर क्यों करूं? कि मैं कैसे आगे बढूं जब मुझे पता है कि ये इंसान के दिल में कोई और है? मैं नहीं हूं इन पांचों लड़कियों में इंटरेस्टेड. डिप्रेशन आता है इनको देख. बॉस यू क्रॉसिंग नाउ. उसने जो कमेंट किया है ना वो बहुत ही वाहिया था. मुझे क्या लगता है ना, मैं शो के लिए गलत हूं, मुझे चले जाना चाहिए. आई एम डन.